सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस एपिसोड से पहले एपिसोड में हमने देखा था कि जब हमने कैमरामैन को छोड़ दिया तो हमारा मिशन वहाँ ख़त्म हो जाता है और अब हमें जाना होता है अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। और मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर मैं जाता हूँ क्वेश्चन मार्क की तरफ, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन मार्क जब हम एज अ माइकल कैरेक्टर होंगे तब कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उस लड़की को मार देता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं माइकल के घर। माइकल के घर जाने के बाद हमें पता चलता है कि माइकल की बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है। किसी के साथ क्या, उसके गोल्फ कोच के साथ। उसके बाद माइकल और फ्रैंकलिन जाते हैं उसके घर और उसका घर तोड़ देते हैं फुल। उसके बाद फिर उस कोच की कॉल आती है, टुड़न 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 टुड़न। वो बोलता है कि तुमने किसका घर तोड़ दिया और ये सब। एक्चुअली वो गोल्फ कोच का घर नहीं था, वो किसी और का घर था। फिर क्या होता है कि जब वो उसका घर वर तोड़ के आ जाते हैं वापस अपने घर, तो जिसका वो एक्चुअली घर था वो बंदा आता है और उसे धमकाता है माइकल को आके। फिर माइकल कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना रिटायरमेंट पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि यार लॉजिकल सी बात है भाई, वो दोबारा इन सब चीज़ों में घुसता जा रहा है घुसता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है यार मुझे थोड़ी मेंटल पीस चाहिए, अब मैं सो जाता हूँ। देन वहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अब हम नेक्स्ट एपिसोड से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क की तरफ ज़्यादा जाना ज़्यादा अच्छा है, पर यहाँ पे दो हैं। सो गाइज, मुझे ना क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना आसान लगता है, एज इन मुझे कोई स्टोरी नहीं पता कि मुझे किधर जाना है कैसे जाना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क की तरफ जाता हूँ। बेस्ट। भाई बहुत तगड़ी टक्कर हुई। ओ बंदा, ओ ओ ओ, मुझे लग रहा है भाई बंदा मर चुका है शायद। मर गया दिखा है भाई। भाई तकड़ी तकड़ी टक्कर हुई है हमारी लिटरली। भाई यार मेरे से लड़ेगा, मेरे से लड़ेगा, मेरे से लड़ेगा, मेरे से लड़ेगा। भाई बन के तो ऐसा है कि कहाँ का वो है प्रधानमंत्री। लेकिन यार एक दिक्कत हो गई, हमारे पे केस हो चुका है पुलिस का। गाड़ियों में ज्यादा टक्कर हो रही है मेरी आजकल। ओ ओ ओ ओ ओ, पुलिस वाले भाई टक्कर मार रहा है लिटरली। यहाँ पे मुझे ये सिस्टम सबसे अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो वो अपने आप मुझे सही बता देता है। लेकिन एक चीज़ है, जब मिशन स्टार्ट होता है ना तो पुलिस हट जाती है अपने आप। भाई क्वेश्चन मार्क कहाँ गया वो? मुझे तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं दिख रहा वो। भाई वो क्वेश्चन मार्क ही गायब हो गया जब मैं पहुंचा। आई डोंट नो, सोचता हूँ अब दोबारा माइकल के घर ही चले जाएं यार। पता है ये भी दिक्कत होती है क्वेश्चन मार्क के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ मिले ही हमें। अब देखो, अब मैं कहाँ हूँ आई डोंट नो, क्या है यहाँ पे आई डोंट नो, वो लड़की कहाँ है आई डोंट नो। एक बार दोबारा चल के देख लेते हैं क्या सीन है। मुझे लग रहा है शायद जब पुलिस हटेगी तब हमारा मिशन चालू होगा। वेट करते हैं भाई। अबे यार ये पुलिस और पड़ गई यार पीछे हमारे खामो खा। ओ भाई बिल्कुल पीछे यार पुलिस। पुलिस भी हमारे साथ नीचे उतर गई भाई। ये सही है यार, यहाँ पे मुझे एक मार्क दिख रहा है, यहाँ देखता हूँ जाके क्या होगा। भाई पता नहीं क्या था ये, मुझे वहां मार्क दिखा मैंने खड़ी कर दिया। आई डोंट नो ये क्या है कहाँ। हो साइकोलॉजिस्ट के पास आ गए। बहुत हार्ड, इसे कहते हैं कि भगवान को आपको जहां पहुंचाना होता है वो अपने आप पहुंचा देते हैं। Fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right?
acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. भाई ये ना चीट अच्छी है, अभी बताऊंगा कि मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. I can recognize a trigger when I see one. I agree, which is why you should really bulk buy a batch of sessions. भाई अपना प्रमोशन कर रहा है. I pay you to listen to my problems. I'm rich, I'm miserable. ये सच्चाई है यार, कोई है ही नहीं भाई हमारे पास सुनने के लिए जिसे हम बताया अपनी फीलिंग्स. इसलिए तो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो यही बता रहा है कि मैं तुझे सुनने के पैसे देता हूँ, सुन मेरी. भाई नेक्स्ट लेवल फैन हूँ भाई मैं इस गेम का. हो गया तेरा टाइम खत्म. भाई $500 ले ली उसने. वैसे सच्ची में यार ये तो है कि हमारे पास कोई सुनने के लिए नहीं है जिसे हम अपनी फीलिंग शेयर करें. और ना बाहर ये और चीज़ अच्छी है कि लोग दिमाग की प्रॉब्लम्स या माइंड प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा अवेयर है. इंडिया में अभी थोड़ा लोग झिझकते हैं कि यार ये दिमाग से बीमार है या इस तरीके से. आगे कंटिन्यू करते हैं, साइकोलॉजी ज़्यादा हो गई. भाई अपनी गाड़ी के तो पर खच्चे उड़ चुके हैं, कोई और गाड़ी लेते हैं. ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं माइकल के घर. भाई क्या मौज गाड़ी है सच्ची में, मजा आ गया. ओ भाई भाई स्पीड बहुत शानदार है इसकी, शानदार. ये हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे शुरुआत में लमार और फ्रैंकलिन की रेस हुई थी. ओ भाई क्या रेस है इस गाड़ी की, मज़ेदार सच्ची में. देख रहे हो आप कितनी तेज चल रही है, 2 मिनट में पहुँचा देगी ऐसे तो हमें. जब भी अपने घर में आता है रात होती है दिन होता है, पता नहीं क्या होता है. भाई ये भी हमारी तरह गेमर है जिमी. आज इसकी क्लास लगने वाली है भाई. ओ भाई बहुत परेशान है भाई. थोड़ा गर्म माहौल हो चुका है भाई. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Hey, what things? I don't know. भाई बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसे चल रहा है, मैं खुद सेंटी हो रहा हूँ. अब हम जा रहे हैं जिम्मी के साथ बाइक राइड करने. भाई इसमें अलग कल्चर दिखाया है सच्ची में.
मुझे लग रहा है ये गेम बना हुआ अभी का है, पर ये बहुत फ्यूचर का वो दिखा रहा है हमें. सेलेक्ट अ बाइक. कौन सी लें गाइस, कौन सी लें, कौन सी लें? ये वाली अच्छी है. ओ भाई भाई इनकी रेस है. वो बोल रहा है कि पापा अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे बाइक दोगे. ओ भाई वो कह रहा है अगर तू हार गया तो तुझे कुछ अपने जीवन के साथ अच्छा करना पड़ेगा. बहुत मंदा चल रहा है यार ये, दिमाग खराब कर दिया इसने. जबकि मैं शिफ्ट भी दबा रखा है, कंट्रोल कंट्रोल से भी नहीं हो रहा. इनके दीदी के पीछे लगाते हैं. हम मंदा मंदा ही चलते हैं, कोई बात नहीं. अब इसे यार एलईडी लेके देनी पड़ेगी. सही बात है. Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. Okay. According to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs? This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. भाई बहुत बहुत सीरियस था यार ये. पता है अभी इनकी बात चल रही थी, वो बोल रहा था अपनी बहन के बारे में, मतलब इसकी बहन के बारे में बात चल रही थी. तो वो बोल रहा था कि आप ज़्यादा प्यार उसे करते हो. वो बोलता है कि वो बोट नहीं ऐसे करती मेरी, और तेरी तरह परेशान नहीं करती, गेम नहीं खेलती रहती. वो भाई गंदी चीज़ बोल रहा था अपनी बहन के बारे में. भाई वो बहुत गंदी चीज़ बोल रहा था, ये देखिए ज़रा. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. Drop her pants and spread her legs. So, हमें उसे बचाना है, लेकिन हम उसे अब अगले एपिसोड में बचाएंगे क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है. सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. भाई कर दो, कितनी बार बोलूँ, प्यार से बोल लिया, गुस्से से बोल लिया, एक्साइटमेंट से बोल लिया, कर दो यार अब तो.